हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग टीवी कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ेंगे एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ टीवी पिक्चर। मतलब हम लोग टीवी में जो पिक्चर आ रहा है उसका क्वालिटी क्या हो, कैसे कंट्रोल करते हैं, या फिर उसका साइज क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, मतलब ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर हुआ, उस टाइप में हम लोग क्यों यूज करते हैं, रेक्टेंगुलर ही क्यों यूज करते हैं, इस सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट है ये पढ़ेंगे हम लोग इस टॉपिक में, द टेलीविजन सिस्टम मस्ट डील फॉर सक्सेसफुल ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ पिक्चर्स। मतलब जो हम लोग का टीवी का पिक्चर क्वालिटी है वो प्रॉपर ढंग से प्रॉपर क्वालिटी में ट्रांसमिट हो और रिसीव हो, उसका जो कंट्रोल है वो किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। उसमें से होता है ग्रॉस स्ट्रक्चर, इमेज क्वालिटी, कंटिन्यूटी, नंबर ऑफ स्कैनिंग लाइंस, फ्लिकर्स, फाइन स्ट्रक्चर्स, टोनल ग्रेडेशन। मतलब ये सब कुछ कुछ फैक्टर्स है जो इफेक्ट करता है हम लोग का टीवी कम्युनिकेशन में पिक्चर की क्वालिटी को। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक है ग्रॉस स्ट्रक्चर। मतलब कि जो पिक्चर को ग्रॉस स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, ग्रॉस स्ट्रक्चर का मतलब हो गया जो हम लोग का जो टीवी का जो पिक्चर का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, उसका टोटल जो फाइनल पिक्चर का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है और क्यों होता है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ, द फ्रेम एडॉप्टेड इन ऑल टीवी सिस्टम्स इज रेक्टेंगुलर विथ एस्पेक्ट रेशियो 4:3। मतलब कि हम लोग का जो टीवी कम्युनिकेशन का होता है उसका फ्रेम हुआ या फिर पिक्चर का स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, वो जो होता है वो रेक्टेंगुलर ही लिया गया है। ठीक है, और उसका रेशियो फिक्स किया गया है 4:3। मतलब 4 हो गया विड्थ और 3 हो गया हाइट। ठीक है, अब ये क्यों हो लिया गया है, इसका रीज़न हो, पहला रीज़न है इन ह्यूमन अफेयर एंड एटमोसफेयर द मोशन अकर्स इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड सो ए लार्ज विड्थ इज डिजायरेबल। मतलब कि हम लोग जब देखते हैं खुली आंखों से देखते हैं, आसपास देखते हैं, तो देखते हैं कि जो भी मूवमेंट हो रहा है वो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और हम लोग का जो आंख का विजन है ठीक है वो कंफर्टेबल रहता है कि विड्थ में देखने के लिए, मतलब जो भी सीन है हम लोग के सामने खुली आंखों के सामने वो हम लोग ज़्यादा ऊंचा नहीं देखते हैं, ज़्यादा चौड़ा देखते हैं। मतलब अगर हम लोग यहाँ खड़ा हैं ठीक है तो हम लोग इस तरह से देखते हैं, मतलब ये चौड़ाई हो गई, ये ज़्यादा विड्थ में हम लोग कंफर्टेबली देख सकते हैं। ठीक है, ये कंफर्टेबली यहाँ पे होगा। ठीक है, तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि हम लोग स्ट्रक्चर को रेक्टेंगुलर क्यों रखते हैं। ठीक है, और सेकेंड रीज़न क्या है, सेकेंड इम्पोर्टेंट रीज़न, दिस इनेबल्स डायरेक्ट टेलीविजन ट्रांसमिशन ऑफ फिल्म प्रोग्राम्स विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी फ्रेम एरिया। ठीक है, जैसा कि हम लोग के पास जो भी सीन है उसको टेलीवाइज करना है, ट्रांसमिट करना है। ठीक है, उसमें से अगर हम लोग का ये सीन है, ये हम लोग खुली आँखों से इस तरह से देख रहे हैं, अगर हम लोग का स्क्रीन रेक्टेंगुलर ना होके सर्कुलर रहेगा या फिर कुछ भी स्ट्रक्चर में रहेगा तो कुछ ना कुछ पार्ट मिसिंग रहेगा, ऑलवेज कुछ ना कुछ पार्ट जब हम लोग ट्रांसमिट कर रहे होंगे तो, जैसे अगर सर्कुलर रहेगा तो कुछ ना पार्ट इधर मिस हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग अच्छा से टेलीकास्ट नहीं कर पाएंगे जो भी प्रॉपर ढंग से हम लोग के सामने सीन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट रीज़न हो गया रेक्टेंगुलर शेप को एडॉप्ट करने के लिए इसमें टीवी कम्युनिकेशन में। ओके, अब नेक्स्ट है एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो हम लोग क्यों लेते हैं, मतलब क्या उसका काम होता है। इट इज एसेंशियल दैट द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द पिक्चर प्रोड्यूस्ड ऑन द रिसीवर स्क्रीन बी सेम एज द
रिंग टेलीवाइज मतलब कि जो ट्रांसमीटर का जो एस्पेक्ट रेशियो है उसी का रिसीवर का होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हम लोग 4x3 कर रहे हैं ट्रांसमीटर इंड पे, तो रिसीवर इंड पे भी हम लोग का 4:3 एस्पेक्ट रेशियो होना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन इसमें पिक्चर का जो साइज़ है ये सेम रहना ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर हम लोग मान लेते हैं ये ट्रांसमीटर इंड है, तो यहाँ पे कुछ भी रहे, ठीक है, इतना बड़ा सीन है, बहुत बड़ा फील्ड का हम लोग वीडियो ट्रांसमिट कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम लोग के स्क्रीन पे भी उतना ही बड़ा ये रिसीवर एंड पे उतना ही बड़ा स्क्रीन दे। लेकिन हाँ, इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो ही रहेगा यहाँ पे, ठीक, लेकिन साइज बराबर रहना ज़रूरी नहीं है स्क्रीन का। ठीक है, ये पहला चीज़ हो गया। अगर मान लीजिए कि हम लोग का एस्पेक्ट रेशियो सेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि हम लोग का जो स्क्रीन पर आएगा सीन वो या तो बहुत छोटा में आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि हम लोग के पास मान लीजिए ये स्क्रीन है, ठीक है, तो या तो छोटा आ जाएगा या फिर हम लोग का पिक्चर कट जाएगा ऊपर से, मतलब वो कुछ ज़्यादा ही विड्थ का आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से एस्पेक्ट रेशियो सेम होना चाहिए, जिस रेशियो से ट्रांसमिट हो रहा है उसी से रिसीव हो रहा है, लेकिन स्क्रीन साइज और सीन का साइज का कोई लेना देना नहीं होता, मतलब सेम रहना ज़रूरी नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है कंडीशन प्रोसीजर, मतलब जो हम लोग का जो आइडियल कंडीशन है पिक्चर ट्रांसमिट करने का, सक्सेसफुल पिक्चर ट्रांसमिट करने का, जिसमें हम लोग का लॉस नहीं हो, सिग्नल का लॉस नहीं हो, या फिर जो प्रॉपर ढंग से हम लोग मैसेज कन्वे कर पाए रिसीवर तक को, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, जिसमें से पहला कंडीशन क्या है रिसीव करने के लिए इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट इन द डिफ्लेक्शन कॉइल ऑफ बोथ टीवी कैमरा एंड रिसीवर पिक्चर ट्यूब। मतलब क्या, हम लोग पढ़े थे पिक्चर ट्यूब में भी एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंट्रोल होता है बीम के लिए, इस तरह से था हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट इस बीम का, इलेक्ट्रॉन बीम का कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और सेम चीज़ होता है हम लोग का रिसीवर एंड पे पिक्चर ट्यूब में भी, जो हम लोग का बीम होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉइल लगा रहता है। ठीक है, उसके करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल किया जाता है, प्रॉपर ढंग से रखा जाता है, ताकि जो मूवमेंट है, ठीक है, हॉरिजेंटल मूवमेंट हो एक बीम का या फिर वर्टिकल मूवमेंट हो, ठीक है, इस दोनों के मूवमेंट का स्पीड को कंट्रोल किया जा सके। इस कंडीशन, पहला कंडीशन ये हो गया, और सेकंड कंडीशन होता है ये सेकंड वो एक्शन लिया जाता है हम लोग की तरफ से, या फिर सेकंड वे होता है ये सिंक्रोनाइजिंग पल्स आर ट्रांसमिटेड अलोंग विद द पिक्चर इंफॉर्मेशन, सो दैट द सेम कोऑर्डिनेट शुड बी स्कैंड एट एनी इंस्टेंट बोथ बाय द कैमरा ट्यूब एंड पिक्चर ट्यूब बीम इन द रिसीवर। मतलब क्या हो गया कि हम लोग का जो सिंक्रोनाइजिंग पल्स होता है, जो हर एक फ्रेम के बाद ट्रांसमीटर पिक्चर की इंफॉर्मेशन के साथ साथ ट्रांसमिट करता है पल्सेस को, ताकि रिसीवर को पता चल पाए कि किस स्पीड से हम लोग को बीम को मूव करना है। ठीक है, स्क्रीन पे तो दोनों जगह दो ही मूवमेंट होता है, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, तो ये इंफॉर्मेशन पल्स के रूप में ट्रांसमीटर रिसीवर को भेजता है हर एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद, उसमें पल्स को भेज दिया जाता है पिक्चर इंफॉर्मेशन के साथ साथ। ठीक है, जिससे कि हम लोग के ट्रांसमीटर और रिसीवर का जो सिंक्रोनाइजिंग स्पीड है मैच करके रखें, और उससे हम लोग का ऑडियो ये पिक्चर का जो फ्रेम है ये पिक्सल से वो मिस ना हो। क्लियर। तो आई होप आपको ये पिक्चर का क्वालिटी कैसे कंट्रोल किया जाता है और किस तरह से स्मूथ कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में पिक्चर का कम्युनिकेशन
किया जाता है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक रहेगा इमेज कंटिन्यूटी, मतलब किस तरह से इमेज को कंटिन्यूस किया जाता है, स्टिल इमेज को वीडियो के रूप में जनरेट किया जाता है, ये सब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।